भारतीय एयरफोर्स ने एक अहम भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध में, और कई वीर योद्धाओं के कारण हम उस युद्ध को जीत गए थे। उनमें से एक हमारे वीर निर्मल जीत सिखौन, जिनकी वीर गाथा आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इनके वीरता के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत के ये पहले एकमात्र एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 17 जुलाई 1943 यानी 1943 में लुधियाना के इसेवल गांव में हुआ था। इनके पिता तरलोक सिंह सिखौन भी भारतीय एयरफोर्स से जुड़े हुए थे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक से नवाजे गए थे। इन्होंने 4 जून 1967 को यानी 1967 को भारतीय एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के रैंक पर ज्वाइन किया था, और जब 1971 की जंग चल रही थी तो वे स्क्वाड्रन नंबर 18 में तैनात थे। तभी अचानक 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने 6 F-86 जेट्स के साथ हमला बोल दिया। इसी हमले का जवाब देने के लिए निर्मल जीत सिंह सिखौन ने उड़ान भरी और दुश्मनों से लोहा लेते रहे और दुश्मनों को भारी नुकसान भी पहुंचाई। इसी बीच उनके प्लेन पर भी उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें लौटने का आदेश मिला, मगर वे दुश्मनों से लड़ते रहे और कुछ देर बाद उनकी प्लेन का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया और जहाज क्रैश हो गई। उन्होंने अंतिम समय पर जहाज से निकलने का भी प्रयास किया था, लेकिन किन कारणोंवश उनका पैराशूट खुल नहीं पाया, जिसके कारण हमने एक वीर जवान को खो दिया। पर निर्मल जीत सिंह आज भी हमारे साथ हैं, हमारे एयरफोर्स के जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, और उन्हें हमने खोया नहीं, वो हमेशा के लिए अजय अमर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगर हम कुछ भी नए वीडियो को अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।